आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर एजे की खास खबर आप सबसे पहले सुनिए। एक बार में तीन तलाक को आपराधिक मामला क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में लाने के लिए सरकार गुरुवार को लोकसभा में बिल पेश करेगी, जिसे द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज नाम दिया गया है। ऐसे में कानूपर की तलाक पीड़िता सोफिया की दर्द भरी दास्तां सुनाने जा रहा है। सोफिया बताती हैं, मुझे रात 3 बजे एक महीने के बच्चे के साथ घर से बाहर फेंक दिया गया था। चेन्नई की रहने वाली सोफिया अहमद ने बताया, 12 जून 2015 को मेरी शादी सपा विधायक गजाला लारी बहन के भाई शारिक अराफात से हुई। शादी के बाद हम दोनों यूपी के कानपुर में रहने लगे। शारिक लेदर का बिजनेस करता है। शादी के 10वें दिन से पति का जुल्म शुरू हो गया। उसे शराब और लड़कियों की लत लग चुकी थी। रोजाना नई नई लड़कियों से रिलेशन बनाना उसकी आदत बन चुकी थी। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर हाथ उठना शुरू कर दिया। घर वालों के सामने वो मुझे मारता पीटता था, लेकिन मेरे फेवर में कोई नहीं बोला। उसकी हर गलत आदत के बारे में घर वालों को पता था। इतना ही नहीं, शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तब पति और सास ने बेटी के बजाय बेटा देने का दबाव बनाया था। आरोप है कि प्रेगनेंसी के 6 महीने के दौरान भी पति बुरी तरह से उसे पीटता था।